Hey, hello friends. I'm Prerna, your home science mentor. I welcome you all teachers at the 24/7 online platform. तो friends, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी आज की क्लास में. Monica, good afternoon. Gunjan, hello. Rinki, good afternoon. Archana, good afternoon. गुड आफ्टरनून. प्रिया, गुड आफ्टरनून. आदर्श द्विवेदी, राधे राधे. रूबी शर्मा, गुड आफ्टरनून. मोनिका, गुड आफ्टरनून. वेरी गुड आफ्टरनून. सभी को गुड आफ्टरनून. जल्दी जल्दी क्लासेस में जुड़ जाओ. फिर हम शुरू करने वाले हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां हम पढ़ेंगे वूल के बारे में. आप सभी को पता है कि वूल क्या होता है, पर उसके बारे में और डिटेल से मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी. काफ़ी सारे स्टूडेंट को डाउट होता है टेक्सटाइल जैसे सब्जेक्ट में, तो उसे क्लियर करने के लिए ही मैं यहाँ पे हूँ. हेलो जिया, कैसे हैं आप? तो जल्दी जल्दी क्लास में जुड़ जाओ. जीतू चौधरी, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून रूप, जल्दी से जुड़ जाइएगा. देखिएगा क्लास में हम शुरू करने वाले हैं आज की क्लास, और आज की क्लास के लास्ट में मैं आपसे पूछूंगी एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर आप लोगों को मुझे देना है. तो मैं देखती हूं कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो वो आंसर जरूर करेंगे. तो मैं जब आपसे क्वेश्चन पूछूंगी तो आपको उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है ना? तो आप मुझे बताएंगे जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी उसका क्या आंसर है, और वो एक ही क्वेश्चन में पूछूंगी जो कि क्लास के लास्ट में पूछने वाली हूं, और वो हमारा आज की क्लास का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड रहने वाला है. ये आपको हिंट मैं दे देती. जीतू हेलो, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जिया, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जिया, तो चलिए मुझे लग रहा है क्लासेस में धीरे धीरे बच्चे जुड़ना शुरू हो गए हैं और अब अपनी क्लास को शुरू करने वाले हैं, ठीक है ना? तो क्वेश्चन के लिए तैयार रहो. क्लास के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगी आज, उसका आंसर करना है सभी स्टूडेंट को. क्वेश्चन क्या होगा आज के टॉपिक से रिलेटेड होगा, और आपको आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है ना? तो अभी आप देखिएगा लाइव चैट में, अगर आप आंसर लिखोगे तो लाइव चैट में तो हो सकता है कि ऐसा हो कि मैं बाद में ना पढ़ पाऊँ, क्योंकि फिर उसके लिए मुझे पूरी क्लास दोबारा से वॉच करनी पड़ेगी और मैं नहीं देख पाऊंगी सारे बच्चों का स्क्रॉल करके. तो आप मुझे वीडियो पे कमेंट के फॉर्म में वो आंसर टाइप कर देंगे तो मैं वहां पे देख सकती हूं कि किसने सही आंसर दिया है और किसने गलत आंसर दिया है, ठीक है ना? नमन निवेशी, नमन गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून, आगे चलिए बढ़ जाएगा. पूजा ठाकुर, गुड आफ्टरनून. चलो जल्दी जल्दी अब सब लोग जुड़ रहे हैं क्लास में. तो क्वेश्चन के बारे में जरूर याद रखना, ठीक है ना, कि क्लास के लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगी आज कि वो क्वेश्चन क्या है, इसी टॉपिक से रिलेटेड रहने वाला है. नेहा, पूनम, सभी को वेरी 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 गुड आफ्टरनून, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ेंगे. अब बात कर लेते हैं सबसे पहले वूल की. तो वूल आप सभी को पता है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक फाइबर होता है, ठीक है ना? सबको ये भी पता है कि वूल जो है आपका क्या है, एक नेचुरल फाइबर है, ठीक है ना स्टूडेंट? वूल कैसा फाइबर है आपका? नेचुरल फाइबर होता है, ठीक है, जो कि आपका नेचुरल फाइबर है. पर नेचुरल फाइबर में भी ये किस कैटेगरी में माना जाता है आपका? प्रोटीन फाइबर की कैटेगरी में माना जाता है. तो वूल क्या है? एक नेचुरल फाइबर है. प्रोटीन फाइबर की कैटेगरी में हम इसे रखते हैं, यानी कि इस फाइबर के अंदर प्रोटीन जो है वो भर के पाया जाता है, अच्छी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट? तो चलो आगे बढ़ेंगे और शुरू कर लेते हैं आज की क्लास, ठीक है ना? तो चलिएगा आगे बात कर लेते हैं. वूल इज अ नेचुरल फाइबर एंड कंसीडर्ड एज मैन बेस्ट फ्रेंड. ये ध्यान रखिएगा, जो आपका वूल है वो क्या माना जाता है? एक तरीके का नेचुरल फाइबर माना जाता है, यानी कि एक प्राकृतिक रेशा है जिसे मनुष्य का अच्छा मित्र माना जाता है. इस फाइबर को आपका जो मेंस बेस्ट फ्रेंड है वो इसे माना जाता है, ठीक है ना? क्या माना जाता है? आपका बेस्ट फ्रेंड माना जाता है ह्यूमन बीइंग का. क्यों? क्योंकि ये हमें वार्मनेस देता है, ये हमें गर्माहट देता है. जब बहुत ज्यादा विंटर का सीजन होता है स्टूडेंट, उस समय पर हमें गर्माहट देने का काम कौन करता है? उस समय हमें गर्माहट कौन देता है? हमें गर्माहट देता है वूल, ठीक है ना? आप समझ पा रहे हैं ना? तो इसे मेंस बेस्ट फ्रेंड माना जाता है. आकांक्षा सिंह, गुड आफ्टरनून. ठीक है स्टूडेंट, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका मेन बेस्ट फ्रेंड है वो माना जाता है आपका वूल को. और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं स्टूडेंट, कि आपका जो वूल है ये एक प्रोटीन रिच फाइबर माना जाता है, और जो प्रोटीन वूल के अंदर पाया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि जो वूल है वो आपको, जो प्रोटीन वूल के अंदर पाया जाता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है स्टूडेंट? तो आपका जो प्रोटीन वूल के अंदर पाया जाता है उसे कैरेटिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना? जो आपका क्या होता है कि आपका जो भी प्रोटीन जो पाया जाता है, जो आपके ऊन के अंदर पाया जाता है, जो ऊन के अंदर प्रोटीन पाया जाता है, ऊन एक रेशा है आपका, क्या है? एक जानतत्व रेशा, एनिमल रेशा है, जो कि नेचुरल रेशा भी माना जाता है. एनिमल की कैटेगरी में वो ऐसा रेशा है जो कि आपको जंतु से मिलता है. और स्टूडेंट उसके अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है वो कैरेटिन की फॉर्म में आपको मिलता है, और ऊन हमें मिलता है किसके फॉर्म में?
हेयर्स की फॉर्म में, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, कुछ बातें हैं पॉइंट के फॉर्म में आपको याद रखनी है, ठीक है ना। क्या क्या चीजें हैं देखिएगा, आपका वूल क्या है, हमें एक तो ये याद रखना है कि वो एक बेस्ट फ्रेंड माना जाता है वूल को। अगर आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए कि जो आपका बेस्ट फ्रेंड है वो किस फाइबर को माना जाता है, तो बेस्ट फ्रेंड माना जाता है वूल को, ठीक है। उसके अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है वो पाया जाता है कैरेटीन की फॉर्म में, आपको ये मिलता है बालों की फॉर्म में, और ये एक तरीके का नेचुरल फाइबर है जो कि स्टूडेंट आपका एक एनिमल फाइबर की कैटेगरी में आता है, जो कि आपको ये जंतु से मिलता है। आरती तिवारी गुड आफ्टरनून, पूजा सिंह आपको जो भी पेड बैच के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए आप क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, हम लास्ट में आपको बता देंगे कि कैसे आप बैच परचेस कर सकते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। आराधना चौहान गुड आफ्टरनून, चलिए आगे बढ़ेंगे। इतना सभी को क्लियर है, जितना क्लियर होता जाए कमेंट सेक्शन में लिखते रहो, यस मैम क्लियर है। प्रियंका पाठक गुड आफ्टरनून, चलो आगे बढ़ेंगे। द अर्लीस्ट फ्रेगमेंट्स ऑफ वूल फाइबर हैव बीन फाउंड इन इजिप्ट बट मेसोपोटामिया इज द बर्थ प्लेस ऑफ वूल, यानी कि ध्यान रखिएगा कि जो आपके सबसे पहले जो अवशेष मिले हैं वूल के वो कहां मिले हैं, स्टूडेंट इजिप्ट में मिले हैं। और आपका ये भी माना जाता है जो इजिप्शियन वूल होती है काफी अच्छी क्वालिटी की होती है, ठीक है ना। और साथ ही साथ हम बात करेंगे जो बर्थ प्लेस की, जो वूल का बर्थ प्लेस माना जाता है वो मेसोपोटामिया को भी माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कि जो आपका बर्थ प्लेस माना जाता है वो मेसोपोटामिया को माना जाता है, और इजिप्ट में भी उसके क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। स्टूडेंट आपकी कुछ क्वेरी है शायद, दीपा मैम मैं पेड लाइव क्लास नहीं ले पा रही हूँ, आईडी लॉगिन नहीं हो रही है, ठीक है दीपा इसके बारे में मैं बात करती हूँ, ठीक है ना। अभी कोई और प्रॉब्लम, चलो तनु पांडे गुड आफ्टरनून, गुंजन सिंह हेलो, चलो आगे बढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले इसके जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ पे मिले हैं, स्टूडेंट आपके इजिप्ट में मिले हैं, और बाद में हम माने तो मेसोपोटामिया जो है उसका वूल का एक ओरिजिनेटेड प्लेस माना जाता है, जहाँ से उसकी शुरुआत हुई है, ठीक है ना। चलो आगे बात करेंगे। शियर्ड वूल इज कॉल्ड फ्लीस और क्लिप वूल, जो हमारी जिनसे एक जिनसे ऊन उतारी जाती है, जो आपकी फ्लीस की जाती है, जो उतारी जाती है, जिनसे शेयर की जाती है वूल, उसे कहा जाता है फ्लीस और क्लिप वूल। ये दोनों नाम याद रखना कि जिन भेड़ों से आपकी ऊन उतारी जा रही है उन्हें क्या किया जाता है, फ्लीस कहा जाता है और क्लिप वूल कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। उन दोनों ही आपकी जो वूल होती है उन्हें क्लिप वूल और फ्लीस के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि फ्लीस किसे कहते हैं, तो जो शियर्ड वूल होती है, उतारी गई जो वूल है आपकी, जिसे कतरा जाता है एक तरीके से, उसे आपकी क्या कहा जाता है, शियर वूल कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसे फ्लीस के नाम से और क्लिप वूल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आगे बढ़ेंगे। वूल टेकन फ्रॉम द हाइट्स ऑफ स्लॉटर्ड एनिमल इज कॉल्ड पुल्ड वूल, और जो आपके ऐसे एनिमल होते हैं जो एक तरीके से जिनका यूज मांस के लिए किया जाता है या फिर जो मर चुके होते हैं, उन पे से खींची गई वूल होती है, उतारी गई वूल होती है, उसे स्लॉटर्ड एनिमल से उतारी जाती है, उसे पुल्ड वूल कहा जाता है या खींची हुई ऊन कहा जाता है। जिनको क्या कर लिया जाता है, जिन्हें मार दिया जाता है एनिमल्स को, उन पे से जो ऊल आपकी जो वूल है जो उतारी जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे खींची गई वूल कहा जाता है, उसे पुल्ड वूल भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि जो जानवर मर गए हैं उन पे से जब वूल आपकी उतारी जाएगी तो वो आपकी पुल्ड वूल कहलाएगी। तो आपको ये वाली बात भी ध्यान रखनी है, ठीक है ना, कि पुल्ड वूल आपकी क्या होती है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि पुल्ड वूल क्या होती है, जो मरे हुए जानवर हैं उनके ऊपर से उतारी गई जो क्या होती है, एक तरीके से वूल होती है, जो ऊन होती है, उसे पुल्ड वूल कहा जाता है। चलो आगे एक बात और बता देती हूँ। वूल इज अ प्रोटीन फाइबर एंड इट इज मेड ऑफ सल्फर हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जब मैंने कल आपको पढ़ाया था कि जो आपका कॉटन के बारे में मैंने आपको बताया था, तो ये भी बोला था कि वो आपका एक सेल्युलोजिक फाइबर है, ठीक है ना। जब मैं कॉटन पढ़ा रही थी तो मैं आपको बता रही थी कि आपका जो कॉटन है वो क्या है, एक सेल्युलोजिक फाइबर है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वूल की, तो वूल क्या है आपका, एक वूल है आपका एक तरीके का प्रोटीन रिच फाइबर। दोनों में डिफरेंस याद रखना। जो कॉटन है वो क्या है आपका, एक तरीके से मान लो उसमें CHO है, यानी कि सेल्यूलोज है तो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। और जो आपका वूल है उसमें क्या है स्टूडेंट, प्रोटीन है। अब अगर हम नॉर्मल न्यूट्रिएंट की फॉर्म में बात कर लें, जैसे फूड एंड न्यूट्रिशन हम पढ़ रहे थे, न्यूट्रिएंट की फॉर्म में अगर हम बात करें तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ से मिलकर बनता है, कार्बन से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन से मिलकर बनता है और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, ठीक है, यही होता है ना। और जब हम बात कर रहे हैं वूल की, और वूल में क्या है, प्रोटीन है, तो ये किससे मिलकर बनेगा, ये बनेगा आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन,
नाइट्रोजन एंड सल्फर, ये ध्यान रखिएगा, जिस तरह से आपका क्या बनता है स्टूडेंट, जिस तरह से आपका बनता है प्रोटीन, प्रोटीन न्यूट्रिएंट की बात कर रही हूँ, जिस तरह से प्रोटीन न्यूट्रिएंट में क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, नाइट्रोजन होता है, उसी तरह से जो आपका वूल होता है, वूल में भी क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं स्टूडेंट, उसी तरह से वूल में भी आपकी ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि आपकी प्रोटीन में मौजूद होती है, क्योंकि दोनों क्या है एक तरीके से सिमिलर है, ये प्रोटीन आपका फाइबर माना जाता है, तो इसमें भी वो सारी चीजें पाई जाती हैं जो प्रोटीन में पाई जाती हैं, ठीक है ना। आगे बात करेंगे, इतना समझ में आ गया सभी को, क्लियर है जो भी बच्चे क्लास में है, ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका आर द इम्पॉर्टेंट वूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। हम बात करें तो आपका क्या है, जो हमारी जितनी भी, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, अर्जेंटीना हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ये सारी वो कंट्रीज हैं जो कि क्या करती हैं, वूल को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है ना। आगे बात करेंगे कि देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वूल की बात करेंगे अब, कि क्लासिफिकेशन क्या होता है वूल का, हम वूल को किन किन श्रेणियों में रख सकते हैं, वूल की क्लासेस क्या होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये बात जरूर लिख दो कमेंट सेक्शन में, अगर समझ में आ रहा है तो, समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताते रहो स्टूडेंट, जिससे मुझे भी लगता रहे कि हाँ बच्चों को क्लियर हो रही हैं सारी चीज़ें, और नोट्स भी साथ साथ बनाते रहो। आज मैं मूवमेंट कम कर रही हूँ, ठीक है ना, बच्चे कहते हैं मैम आप मूवमेंट बहुत करती हैं जिसकी वजह से हम नहीं बना पाते, तो चलो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वूल की बात करेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले ये क्लासेस जो होती है वूल की, मैं आपको बता दूं, फोर क्लासेस होती है, ठीक है ना, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री या टाइप फोर, या फिर क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री, क्लास फोर, इस नाम से इन्हें जाना जाता है स्टूडेंट। तो आपकी जो क्लासेस होती हैं वूल की, इसमें जो फर्स्ट क्लास वूल मानी जाती है, जो वूल मानी जाती है प्रथम श्रेणी की वूल, उसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट, उसे कहा जाता है मेरिनो वूल। ये ध्यान रखना, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि जो हम एट्थ नाइन्थ में हमने ज्योग्राफी वगैरह पढ़ी होगी, तब भी आपका क्या होता है, आपका सबसे ज़्यादा हमारा ये वाला जो नाम है हमें सुनने के लिए मिला होगा, ठीक है ना, कि आपका मतलब हमारा ये वाला नाम हमें बहुत बार देखने के लिए मिला होगा कि मेरिनो वूल क्या होती है या मेरिनो वूल कहाँ पे होती है, ये नाम आपका बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो आपकी जो मेरिनो वूल होती है वो कौन सी वूल होती है स्टूडेंट, मेरिनो वूल आपकी जो होगी वो मेरिनो वाली जो आपकी भेड़ होती है उनसे प्राप्त की जाती है। ध्यान रखिएगा, जो मेरिनो जाति की वूल है वो आपको किससे मिलेंगी, आपकी मेरिनो वूल मेरिनो जाति की भेड़ से मिलेगी, जो कि खुद एक भेड़ का नाम है, ठीक है ना। और ये ध्यान रखिएगा कि ये आपकी बेस्ट क्वालिटी वूल मानी जाती है, जो आपकी मेरिनो वूल होती है इसे क्लास वन वूल कहते हैं, ये आपकी बेस्ट क्वालिटी वूल मानी जाती है। और स्टूडेंट मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो आपका इस वाली वूल का जो एक तरीके से रेशा होता है वो काफ़ी स्ट्रांग माना जाता है, यानी कि मजबूत होता है, ठीक है, आपका फाइन माना जाता है यानी कि पतला भी होता है, और इसमें इलास्टिसिटी का गुण भी होता है, यानी कि थोड़ी बहुत इसमें खिंचावट का गुण भी होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपकी क्लास वन वूल जो मानी जाती है, जो ऐसी वूल मानी जाती है जो सबसे अच्छी श्रेणी की वूल होती है, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, ठीक है, तो जो हमारी क्लास वन वूल मानी जाती है, जो सबसे अच्छी श्रेणी की वूल मानी जाती है, उसे कहा जाता है मेरिनो जाति की आपकी जो वूल होती है, और ये एक ऐसी भेड़ है जिससे आपको वूल मिलती है, और ऐसी वाली जो ये वूल होती है, मेरिनो वाली जो वूल होती है, आपका जो फाइबर है काफ़ी स्ट्रांग होगा, फाइन होगा और इलास्टिक होगा, यानी कि आपको सबसे अच्छी जो ऊन मिलेगी वो इसी से मिलेगी, ठीक है ना। चलो आगे बात करेंगे, दिस क्लास ऑफ शिप इज ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड एंड वेल्स। ये ध्यान रखिएगा, जो आपकी मेरिनो जाति की जो आपकी क्या होती हैं, जो ये भेड़ होती हैं जिनसे आपको ऊन मिलती है, ये जनरली आपको इंग्लैंड में, ठीक है ना, आपका स्कॉटलैंड में, आयरलैंड में और आपका वेल्स में मिलेंगी। ये हमारी क्लास टू, सॉरी ये क्लास टू वूल की बात कर रही हूँ मैं, क्लास वन वूल जो थी आपको वो मेरिनो वाली वूल थी, अब आपकी क्लास टू जो वूल होती है जनरली वो आपको जिन कंट्रीज में मिलेगी, जो आपकी ये जितनी भी कंट्रीज मैंने यहाँ मेंशन की हैं, लाइक आपका इंग्लैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, वेल्स हो गया, यहाँ पे जितनी भी आपकी क्या पाई जाती हैं, भेड़ पाई जाती हैं, शिप पाई जाती है, वहां से आपको जो ऊन मिलेगी उसे आप क्लास टू वूल कहते हैं। तो क्लास वन वूल आपकी कौन सी थी, क्लास वन वूल थी आपकी मेरिनो, क्लास टू वूल आपकी ये वाली होती है जो आपको इन सारी जगहों पे जो भेड़ है उनसे मिलती है, ठीक है स्टूडेंट। ये ध्यान रखिएगा, ये सारी आपको यहां से मिलेंगी, ठीक है ना। आगे बात करेंगे,
ठीक है, आगे देखिएगा, द फाइबर आर स्ट्रॉन्ग फाइन एंड इलास्टिक बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग फाइन एंड इलास्टिक बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग फाइन एंड इलास्टिक एज मरीनो. ये ध्यान रखिएगा, जो आपकी मेरीनो जाति की जो आपको जो भेड़ होती है, जो मेरीनो जाति की भेड़ से आपको ऊन मिलती है, जितनी ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग होती है, जितनी ज्यादा वो फाइन होती है, जितनी ज्यादा वो अच्छी होती है, उतनी आपकी कंपेरेटिवली क्लास टू वूल नहीं होती है. ध्यान रखना कि जितनी अच्छी हमें मेरीनो जाति की वूल से चीजें मिल रही हैं, जो जितनी ज्यादा मेरीनो वूल है, जितनी अच्छी वो है, जितनी स्ट्रॉन्ग है, जितनी फाइन है, उतनी ज्यादा ये नहीं होती है. जो क्लास टू है वो उतनी अच्छी नहीं होती है. ये ध्यान रखिएगा, क्लास टू वाली उससे कम अच्छी होती है. जैसे कि हम बात करें, हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो हमें बता दिया जाता है ना कि ये वाला जो है ये ए क्वालिटी है, ये बी क्वालिटी है, सी क्वालिटी है. सेम आप ऐसे ही मान सकते हो कि जो क्लास वन वाली है वो मरीनो है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, ज्यादा फाइन भी है, उसमें इलास्टिसिटी भी अच्छी है, उसमें स्केल्स भी अच्छे होते हैं. स्केल्स क्या होता है ये भी अभी बताऊंगी, वो भी उसमें अच्छे होते हैं, ठीक है ना. क्लास टू की बात करें तो या तो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ना उतनी ज्यादा आपकी अच्छी मानी जाती है, बट फिर भी काफी अच्छी होती है, ठीक है ना. आपका आयरलैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, वेल्स हो गया, वहां पे आपको ये ज्यादा मिलेगी. जो वहां की भेड़े हैं आपको उनसे ये ज्यादा मिलेगी, ठीक है स्टूडेंट. आगे बात करेंगे दिस आपकी. अब नेक्स्ट हमारी आती है जिसे क्लास थ्री वूल कहा जाता है, जो थर्ड क्लास होती है वूल की, ठीक है ना. तो हम इसकी बात करेंगे, दिस क्लास ऑफ शिप ओरिजिनेटेड इन द यूनाइटेड किंगडम. और जो हमारी क्लास थ्री वूल होती है वो ज्यादातर आपकी कहाँ पे होगी, जो यूनाइटेड किंगडम है वहां पे जो भेड़ होंगी वहां से आपको क्लास थ्री वूल मिलेगी, ठीक है. तो ये ध्यान रखिएगा, जो आपकी क्लास थ्री वूल होती है वो ज्यादातर आपकी कहाँ पे मिलती है, यूनाइटेड किंगडम में मिलती है. दीज आर कोर्सेज एंड हैव लेस क्रिम्प एंड स्केल्स. ध्यान रखिएगा, जो आपके इस तरह के जो फाइबर होते हैं, जो वूल के, जो कि क्लास थ्री कैटेगरी में आते हैं, उनसे आपको कोर्सर, कोर्सर मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जो मोटे धागे होते हैं ऊन के, वो मिलते हैं. तो ये ध्यान रखिएगा, जो ऊन की क्लास थ्री होती है वहां से आपको मोटे धागे मिलेंगे ऊन के, और साथ ही साथ उनमें क्रिम्पनेस जो है वो कम होगी. क्रिम्पिंग आपको पता है ना, जो इस तरह से क्रिम्पिंग होती है वो इस वाले धागों में कम पाई जाएगी जो क्लास थ्री वूल की कैटेगरी होती है. तो ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, क्लास थ्री वूल जो होती है उनमें क्रिम्पनेस कम होती है, वो कोर्स होते हैं, मोटे होते हैं. साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि उनके अंदर स्केल्स भी कम होते हैं. अभी ड्रॉ करके दिखाऊंगी स्केल्स क्या होते हैं और इनका क्या पर्पस होता है, वूल में स्केल्स क्यों पाए जाते हैं, ठीक है ना. चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे आपकी क्लास फोर वूल की. जो क्लास फोर आपकी वूल होती है, ठीक है ना, ये वहीं से क्वेश्चन है, इसी वाले पार्ट से आपको वूल में क्वेश्चन मिलेंगे, इससे ज्यादा आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना. क्लास फोर की बात करेंगे, कोर्सर एंड हेयर लाइक हैविंग लेस स्केल्स एंड लिटिल क्रिम्प. ये ध्यान रखिएगा, जो क्लास फोर वूल आपकी होती है वो भी कैसी होती है, मोटी होती है, साथ ही साथ जो उसके हेयर्स होंगे उनमें स्केल्स कम पाए जाते हैं और क्रिम्प्स कम होते हैं, यानी कि सेम एज ये भी खुरदुरी होगी, कोर्स होगी, स्केल्स कम होंगे इसमें, यानी कि जो स्केल्स होते हैं बेटा उन्हें हिंदी में कहा जाता है शल्क. तो जो शल्क होंगे वो कम होंगे, साथ ही साथ क्रिम्पिंग यानी कि वही जो आपका गुण है क्रिम्पिंग का वो कम होगा. और ये माना जाता है कि वूल में क्रिम्प जो होती है वो अच्छी होती है, जो क्रिम्पनेस है वूल में वो अच्छी होती है, पर इस वाली आपकी जो ऊन होती है उसमें कम पाई जाती है. तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना. तो इतना आपको क्लासेस मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गई होंगी वूल की. जो भी आपके क्वेश्चन है क्लास के लास्ट में मैं आंसर कर दूंगी, अदरवाइज जो स्टूडेंट पेड बैच में उन्हें वहां पर भी आंसर मिल जाएंगे, ठीक है ना. चलो आगे बढ़ेंगे क्लासेस के बाद, अब देखते हैं कि क्वालिटी जो है वूल की वो किन चीज़ों पे निर्भर करेगी, ठीक है ना. जो वूल की क्वालिटी है वो किन चीज़ों पे निर्भर करेगी. अब कुछ बच्चे मुझसे बोल रहे हैं कि मैम आप क्वेश्चन कराओ, एमसीक्यूज कराओ. ठीक है जी, एमसीक्यूज कराने हैं तो थ्योरी. अभी जब मैं एमसीक्यूज कराती थी तो बच्चे कहते थे मैम थ्योरी कराओ, अभी कह रहे हैं एमसीक्यूज कराओ. अभी डिसाइड कर लो कि मंडे को क्या पढ़ना है, ये मुझे सोच के बता दो कि मंडे को एमसीक्यूज करने हैं या मंडे को थ्योरी करनी है. अभी कमेंट सेक्शन में लिख दो जितने भी बच्चे हैं, ठीक है ना. एक सेकंड स्टूडेंट्स, चलो अब आगे पढ़ते हैं. क्वालिटी ऑफ वूल की बात करेंगे. क्वालिटी ऑफ वूल क्या है कि जो ऊन की गुणवत्ता है, ठीक है ना, हम जिस तरह से हम बात करते हैं कि जो दूध की गुणवत्ता है वो किस गाय से मिल रही है, किस भैंस, आपका जो भैंस है किससे मिल रहा है, या उसकी क्वालिटी कैसी है, ब्रीड कैसी है, कहाँ से मिल रही है, तो उसके ऊपर निर्भर करती है. उसी तरह से जो आपकी वूल है वो आपको किस तरह की भेड़ से मिल रही है, या उसकी जाति कैसी है, वो कहाँ की है, किस एरिया में है, या फिर ऐसे ऐसे वेदर एटमोस्फेरिक कंडीशंस कैसे हैं जहाँ से वो मिल रही है, उस
क्वालिटी इसके ऊपर निर्भर करेगी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि आपकी जो क्वालिटी है वूल की, जो ऊन की गुणवत्ता है, वो काफी हद तक निर्भर करती है आपके भेड़ की जाति के ऊपर या नस्ल के ऊपर कि वो किस नस्ल की है, साथ ही साथ वो किन कंडीशंस में सर्वाइव कर रही है, उसे प्रॉपर फूड मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वेदर कैसा है, उसकी क्लीनिंग हो रही है या नहीं हो रही है, वो कैसे उसको पाला जा रहा है, इन सारी चीजों पर भी काफी हद तक डिपेंड करता है जो वूल है उसकी क्वालिटी का मैटर, कि वो कैसी क्वालिटी की होगी। ये दोनों बातें काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है इस चीज के लिए। काफी सारे बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि मैं एमसीक्यूज कराऊं, ठीक है जी, मंडे से एमसीक्यूज कराएंगे, तो अब इस बात का ध्यान रखिएगा कि फिर बाकी स्टूडेंट ये ना कहें कि मैम थ्योरी कराओ। तो जो एमसीक्यूज वाले स्टूडेंट हैं अगर वो ज्यादा हुए तो एमसीक्यूज होंगे, और अगर थ्योरी वाले बच्चे ज्यादा हुए तो थ्योरी होगी, तो ये ध्यान रखो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, अब बात कर लेते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। ये वाला जो पार्ट आता है ना, इस वाले पार्ट में काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो होती है उसे किसको क्या कहा जाता है, और अगर पता भी होता है ना कुछ को कि थ्योरी के बेस पे आप लोगों ने याद कर लिया, फिर भी ये वाला पार्ट काफी बच्चे गलत कर देते हैं। तो चलो इसे बहुत अच्छे से समझा देती हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग जो होती है किस स्टेप में क्या किया जाता है। तो पहली बात तो ये चीज ध्यान रखना कि जब मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है स्टूडेंट, तो ये बात ध्यान रखो कि ये सीक्वेंस में होगा। अगर फर्स्ट स्टेप ये है तो फर्स्ट ये ही रहेगा, सेकंड ये है तो यही रहेगा, थर्ड ये है तो यही रहेगा, और आपको ये इसी सीक्वेंस में याद करने होंगे, चाहे हम कॉटन के पढ़ रहे हैं, चाहे हम वूल के पढ़ रहे हैं, चाहे हम सिल्क के पढ़ रहे हैं, चाहे हम किसी के भी पढ़ रहे हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं शेयरिंग की, कि शेयरिंग वाले स्टेप में क्या होता है, ठीक है ना। जो शेयरिंग वाला स्टेप है उसमें क्या होता है, तो शेयरिंग वाले स्टेप में होता है स्टूडेंट के जो हमारी जो भेड़ है, ठीक है ना, आप चाहे भेड़ से मिल रही है ऊन, चाहे बकरी से मिल रही है, चाहे किसी से भी मिल रही है। तो अगर हम भेड़ की बात करें तो जो भेड़ पे से ऊन को उतारा जाता है, समझ रहे हैं आप लोग, जो भेड़ है भेड़ पे से जब ऊन को उतारा जाएगा, जिसके साथ में उसकी त्वचा की एक पतली परत भी उतर जाए, समझ रहे हो ना आप, हम भेड़ पे से उनको उतार रहे हैं और उसके साथ में उसकी त्वचा की पतली परत भी उतर जाए, तो उसे कहा जाएगा शियरिंग, ठीक है ना। यानी कि भेड़ पे से उनको उतारने वाला प्रोसेस कहलाया जाता है शियरिंग प्रोसेस, जिसमें हम क्या करते हैं, शियरिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, भेड़ पे से ऊन उतारते हैं, जिसके साथ उसकी छोटी सी पतली सी स्किन जो है वो भी उतर जाती है। ये आपका पहला स्टेप माना जाता है जिसे शियरिंग कहा जाता है, ठीक है, इतना क्लियर है ना। भेड़ की खाल साथ साथ आ जाएगी और ऊन उतारी जा रही है, ठीक है। सेकंड आपका कहलाता है शॉर्टिंग, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो इसे शॉर्टिंग को हिंदी में भी समझना चाहेंगे, शॉर्टिंग मतलब आप छांटने की बात कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपका जो शॉर्टिंग वाला मेथड होता है इसमें क्या होता है स्टूडेंट, मान लीजिए आपके पास बहुत सारे भेड़ अवेलेबल है, ठीक है ना, आपने अलग अलग भेड़ से अलग अलग जो ऊन है वो उतार ली। अब हो सकता है कि जो 10 भेड़ है उनका टेक्सचर एक जैसा हो, ऊन का और 10 का टेक्सचर एक जैसा हो, तो आप समझ सकते हैं कि शॉर्टिंग का मतलब है कि जो एक जैसे रंग की एक जैसी छूने में प्रतीत हो रही है ऐसी ऊन को आप एक जगह रख लेते हैं, जो एक जैसी दिख रही है एक जैसे टेक्सचर की है उन्हें आप अलग जगह रख लेते हैं। यानी कि एक तरीके से जो ऊन की क्या की जाती है, ग्रेडिंग की जाती है उनके कलर के आधार पे, उनके टेक्सचर के आधार पे, उनकी एक तरीके से क्वालिटी के आधार पे, तो वो आपकी शॉर्टिंग वाले फॉर्म में की जाती है कि जो एक जैसी दिखती है उन्हें एक तरफ कर लिया जाता है, जो एक जैसी दिखती है उन्हें एक तरफ कर लिया जाता है। यानी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऊन को छांटने का काम करते हैं उसके टेक्सचर के आधार पे, उसके कलर के आधार पे, कि वो कैसी दिख रही है उसके आधार पे हमने उसे छांट लिया, ठीक है ना स्टूडेंट। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्कोरिंग, ठीक है ना। जो स्कोरिंग प्रोसेस होता है ये क्या होता है स्टूडेंट, स्कोरिंग का जो प्रोसेस है आपका, इसमें आप क्या करते हैं, ये एक तरीके का ना, ये ध्यान रखिएगा, जो ये दोनों है ना, स्कोरिंग और कार्बोनाइजिंग, ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जो स्कोरिंग एंड कार्बोनाइजिंग है ये आपके वूल के क्लीनिंग प्रोसेस माने जाते हैं। ये जो दोनों हैं, देखिए पूरी मैन्युफैक्चरिंग है, पूरा उत्पादन है, बट आपके ये दोनों जो माने जाते हैं ये क्लीनिंग प्रोसेस माने जाते हैं, जिसमें से आपका जो स्कोरिंग है इसमें क्या होता है स्टूडेंट, आप सोपी मटेरियल होता है आपके पास, यानी कि एक तरीके का साबुन होते हैं, साबुन में आप क्या करते हैं वूल को वॉश करते हैं, जिससे कि जितना भी ग्रीस लगा हुआ है वूल के ऊपर, जो चिकना पदार्थ लगा हुआ है, क्योंकि वूल उतारी जा रही है भेड़ के ऊपर से, उसकी स्किन भी साथ में आ रही है, तो जो भी चिपचिपा पदार्थ, ब्लड या कुछ ऐसा
ग्रीस फॉर्म में कुछ लगा हुआ है वो हम उसमें से हटाने के लिए उसे वॉश जो करते हैं वो स्कोरिंग मेथड में करते हैं, जहां पे हम उसे जो एक तरीके से हमारा जो सोप मटेरियल होता है जो साबुन का घोल है उसमें उसे धुलने की क्या करते हैं तैयारी करते हैं, जिससे कि वो अच्छे से वॉश हो सके और उसमें से गंदगी जो है वो निकल सके। ठीक है स्टूडेंट, होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इस प्रोसेस में क्या करते हैं, जो आपकी जो ऊन है उसकी जितनी भी गंदगी है जो ग्रीस की फॉर्म में लगी हुई है उसे हटाने का काम करते हैं, ब्लड हटाने का काम करते हैं उसमें से, जिससे वो क्लीन हो सके। और यहाँ पे हम यूज करते हैं सोप का, यानी कि हम साबुन का इस्तेमाल करेंगे, डिटर्जेंट का इस्तेमाल करेंगे जिससे हम उसको वॉश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी कहलाती है कार्बोनाइजिंग। ये भी ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो आपका ये वाला जो पॉइंट है ना, ये कई बार ये दोनों क्वेश्चन आपका जो यूपी टीजीटी पीजीटी का पेपर होता है उसमें बहुत बार ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्कोरिंग किस पे की जाती है और आपका कार्बोनाइजिंग किस पे की जाती है। ये दोनों टर्म कई बार पूछे गए हैं कि ये दोनों किस पर किए जाते हैं, सिल्क पे, वूल पे, कॉटन पे, है ना, नायलॉन पे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों नाम अच्छे से याद कर लो, ये वूल से रिलेटेड है, ये सभी को पता होने चाहिए। तो कार्बोनाइजिंग की बात कर लेते हैं, कार्बोनाइजिंग क्या होता है। तो स्टूडेंट, जो कार्बोनाइजिंग होता है वो एक तरीके का क्या होता है, आपका एसिड बाथ होती है। ध्यान रखिएगा क्या होती है कार्बोनाइजिंग, एक इसे कहा जाता है एसिड बाथ। जो आपकी कार्बोनाइजिंग होती है इसे एसिड बाथ कहते हैं, जहां पे आप H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये ध्यान रखना कि सल्फ्यूरिक एसिड से बात कराई जाती है वूल की, जिससे कि और जो भी वेजिटेटिव मटेरियल लगा हुआ है उसके ऊपर, लाइक कोई पत्ती लगी हुई है या कुछ भी लगा हुआ है जो कि वेजिटेटिव मटेरियल है, एक तरीके का प्राकृतिक पदार्थ जो उसके ऊपर लगा हुआ है, उसको छुड़ाने के लिए एसिड बात कराई जाती है, क्योंकि वूल क्या है, एक प्रोटीन फाइबर है, तो एसिड का उसके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो एसिड बात कराई जाएगी उसे कहा जाता है कार्बोनाइजिंग, जिसमें एसिड जो यूज किया जाता है वो H2SO4 यूज किया जाता है, जिसे सल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है। तो मुझे लग रहा है स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो और वीडियो को लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट होती है हमारी कार्डिंग, ठीक है ना। कार्डिंग में क्या होता है स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा, जो कार्डिंग का प्रोसेस होता है सेम एज दो रोलर होते हैं, ठीक है ना, दोनों रोलर्स में स्टील वायर निकले रहते हैं और उनके बीच से वूल को निकालने का काम किया जाता है, जिससे कि क्या होता है स्टूडेंट, जिससे ये होता है कि जो वूल है वो एक समान हो जाती है, जो सारे धागे हैं वो एक समान हो जाते हैं और वो बिल्कुल एक तरीके से उसके अंदर से जो भी छोटे तंतु हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। तो जब उसे एकसार कराने का काम कराया जाता है तो आपका कहा जाता है कार्डिंग, जिसमें दो रोलर होते हैं, स्टील वायर लगे हुए होते हैं और उनसे उसे एकसार किया जाता है, समझ रहे हैं ना। कार्डिंग प्रोसेस में आप क्या करते हैं, उसे एकसार किया जाता है, ठीक है। चलो मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपका जो जो वूल होती है स्टूडेंट, ठीक है ना, जो वूल होती है, जो ऊन होती है जो भेड़ पे से उतारी जाती है, तो हम बात करते हैं कि हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो अच्छी वूल है वो कहां से मिलेगी, किस पार्ट से मिलेगी भेड़ के, और जो बुरी वूल है वो कहां से मिलती है। तो जो अपर पार्ट पे जो भेड़ के वूल होती है, यानी कि कंधे पे, कमर पे जो वूल होती है भेड़ के, वो अच्छी मानी जाती है कंपैरेटिवली किसके, जो पैरों की तरफ होती है। ध्यान रखना, जो भेड़ के निचले हिस्से में जो ऊन होती है वो कम अच्छी मानी जाती है, जो भेड़ के ऊपरी हिस्से में आपकी क्या होती है, ऊन होती है, वो अच्छी मानी जाती है, क्योंकि नीचे की तरफ वो ज्यादातर गंदगी कांटेक्ट में आ सकती है, ऊपर की तरफ वो नहीं आती है, ठीक है ना। लास्ट स्टेप की बात करेंगे स्पिनिंग की, तो स्पिनिंग आप सभी को पता है कताई होती है और वूल भी क्या है, एक नेचुरल फाइबर है। तो कताई किसके थ्रू की जाएगी, कताई करी जाएगी आपकी किसके ऊपर करी जाएगी, कताई की जाएगी मैकेनिकल फॉर्म में, यानी कि यांत्रिक कताई की जाती है वूल में, जिससे कि धागा बनाया जाता है, यान बनाया जाता है, और कार्डिंग के प्रोसेस के बाद वूल पूरी तरह से तैयार हो जाता है स्पिनिंग के लिए। ध्यान रखिएगा कि कार्डिंग का जब प्रोसेस हो जाएगा तो वूल पूरी तरह से तैयार हो जाएगा कि अब उसकी कताई करी जाए। तो आपका इस तरह से जो वूल का धागा है वो निर्मित होता है, ये आपको पता होना चाहिए। दोबारा से सारे स्टेप समझा देती हूं। शियरिंग में क्या कर रहे हैं, आपका जो वूल है उसे उतार रहे हैं, शॉर्टिंग में उसे डिवाइड कर रहे हैं कैटेगरी वाइज, स्कोरिंग में क्या कर रहे हैं, उसको सोप से धुल रहे हैं, कार्बोनाइजिंग में एसिड बाथ दे रहे हैं, कार्डिंग में क्या कर रहे हैं, उसको एकसार कर रहे हैं, स्टील आपके वायर लगे होते हैं, रोलर्स होते हैं, और स्पिनिंग में आप उसकी कताई कर रहे हैं, ठीक है ना। होपफुली सभी को ये क्लियर हो गया होगा, एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो
कि मैम हमें प्रोसेसिंग अच्छे से समझ में आ गई है या नहीं आई है, जितने भी बच्चे हैं प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दे। अब एक कंफ्यूजन और होता है बच्चों में काफी ज्यादा जो पाया जाता है कि वूलन यार्न क्या होते हैं और वर्स्टेड यार्न क्या होते हैं, ये भी बहुत बच्चों का कंफ्यूजन होता है, दोनों वूल से रिलेटेड है। अब वूलन यार्न क्या है और वर्स्टेड यार्न क्या है, ये भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले वूलन यार्न बता देती हूँ क्या होते हैं। जो आपके वूलन यार्न होते हैं ये थिक होते हैं, ये ध्यान रखना कि जो ऊनी धागा होगा मोटा होगा और ऊनी धागे में जो अरेंजमेंट्स हैं वो पैलर नहीं होते, ये ध्यान रखना। जो ऊनी धागा होता है मोटा होता है और उसमें जो पैलर अरेंजमेंट्स हैं वो नहीं होते हैं, ठीक है ना। ऊनी धागे में पैलर अरेंजमेंट्स नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि उसमें इस तरह से धागा है, मान लीजिए कहीं छोटा है कहीं बड़ा है, कहीं छोटा है कहीं बड़ा है, तो पैलर अरेंजमेंट्स ऊनी धागे में नहीं होंगे, वो आपका क्या होता है मोटा होता है। तो ये ध्यान रखना स्टूडेंट, ऊनी धागे की तो ये वाली बात हो गई। अब चलो एक बार ये बता देती हूँ कि वर्स्टेड यार्न क्या होते हैं, ठीक है ना। वर्स्टेड यार्न के बारे में भी बता देती हूँ। तो आपके जो वर्स्टेड यार्न होते हैं बने हुए, ये भी ऊन से ही होते हैं, ये भी ध्यान रखना। जो ऊनी धागे हैं वो भी ऊन के ही हैं, जो वर्स्टेड है वो भी ऊन के ही हैं। तो वर्स्टेड यार्न फाइनर होते हैं, यानी कि वो मोटे होंगे, ये पतले होंगे, साथ ही साथ ये स्मूथ भी होंगे, सॉफ्ट भी होंगे और मजबूत भी होंगे, ये ध्यान रखना। जो वर्स्टेड यार्न होते हैं मजबूत भी होते हैं, साथ ही साथ मुलायम भी होते हैं, पतले भी होते हैं और ऊनी धागे मोटे होते हैं, उनमें पैलर अरेंजमेंट नहीं होता। मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बना के दिखाया, वो इस तरह से होता है, छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा ऐसे। और जो वर्स्टेड यार्न होते हैं बिल्कुल एक सीध में होते हैं, समझ रहे हो ना, बिल्कुल एक जैसे होंगे, एक सार होंगे। तो अभी चलो पिक्चर की हेल्प से भी दिखा देती हूं। आप देखो यहां पे देख सकते हो इसमें क्या है, ये क्रिम्स है ना, ठीक है ना। तो छोटा बड़ा ऐसे हो सकता है। तो ये आपके कौन से हो गए, ये हो गए हमारे वूलन यार्न, ठीक है ना, और ये हमारे कहलाएंगे वर्स्टेड यार्न, जो कि बिल्कुल एक जैसे एक सार और एक समान होते हैं, सारे धागे बिल्कुल एक ही लंबाई के होंगे। तो दोनों में डिफरेंस याद करना, वर्स्टेड क्या होते हैं और आपके वूलन क्या होते हैं। चलो अब बात करेंगे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी जान लेते हैं वूल की, जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना, कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वूल में, ठीक है स्टूडेंट। चलो बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, ऊन की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। वूल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। पुअर कंडक्टर होता है हीट का, यानी कि आप इसे किस लिए पहन रहे हैं, ये क्या करता है, ये हमारे शरीर की ऊष्मा को बाहर नहीं निकालता, ठीक है ना। हमारा जैसे कि क्या होता है कि जो हमारा एक तरीके से कॉटन की बात करें तो वो ऊष्मा को बाहर निकालता है, तो हमें ठंडक महसूस होती है, ये ऊष्मा को अंदर ही एब्जॉर्ब करके रखता है, जिससे कि हमें क्या महसूस होती है, गर्मी महसूस होती है। तो पहली बात तो ये जान लो। दूसरी बात क्या है आपका, कि पानी को एब्जॉर्ब आसानी से नहीं करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो वूल का फाइबर होता है पानी आसानी से एब्जॉर्ब नहीं करता, लगभग मान के चलो कि 12 से 16 तक या 16 से 18 तक इतना ही पानी एब्जॉर्ब कर सकता है अपने वजन से ज्यादा, जबकि कॉटन की बात करें तो 27-28 गुना ज्यादा एब्जॉर्ब कर पा रहा था, पर ये नहीं कर पाता, ये ध्यान रखना। जब भी आप वूल वाले फाइबर की बात करोगे, आप उसके कपड़ों को क्या करो, गीला कर दो, आसानी से सूखते तो है नहीं और उनमें से पानी टपकता रहता है, घंटों तक टपकता रहता है, अगर आप उसे घर पर सुखाते भी हो तो बहुत देर तक पानी निकलता रहेगा, ठीक है। ये वाली बात ध्यान रखना कि एक तो आपके शरीर की ऊष्मा को अंदर ही बनाए रखता है, दूसरी बात पानी को एब्जॉर्ब ये नहीं कर पाता, ठीक है ना। आगे बात करेंगे, देखो वूल इज फेयरली स्टेबल टू एसिड, एसिड पे इसका कोई असर आपका नहीं होगा, यानी कि अगर जो एसिडिक साबुन है, एसिडिक सर्फ है, आप उससे वूल को वॉश कर रहे हो, धुल रहे हो, तो उस पर कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट जो है वो नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना कि अगर आप एसिडिक सोप या साबुन से इसे धुलोगे तो निगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, यानी कि एसिड को लेके ये काफ़ी ठीक होता है, पर इसके लिए बेस नुकसानदायक होता है, ये ध्यान रखना। जो बेस है वो इसके लिए नुकसानदायक होता है, एसिड का इसके ऊपर कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है ना। इट इज़ हार्म्ड बाय एल्केलाइंस, वही वाली बात आगे जो भी मैंने बताई कि बेस का इसके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा, एसिड का इसके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए जो हमारी ब्लीच होती है ना, जिसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्लीच कहते हैं, वो इसके ऊपर यूज नहीं की जा सकती। ज़्यादातर जो आपकी वूल होती है आप उसे ड्राई क्लीन मेथड के थ्रू वॉश कराते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना कि वूल के लिए आपकी ड्राई क्लीन जो है वो सुटेबल मेथड माना जाता है, ज़्यादातर आप ड्राई क्लीनिंग का प्रोसेस जो है वो यूज़ करते हैं। आगे चलो बात करेंगे, वूल इज़ ईजिली डैमेज बाय मोथ्स, ठीक है ना, जो आपके पतंगे होते हैं, छोटे मोटे कीट होते हैं आपके, उनसे आपका वूल जो है वो प्रभावित हो जाता है, काफ़ी जल्दी प्रभावित हो जाता है, जैसे कॉटन भी होता है। और मैं एक इन शॉर्ट अगर बात बताऊँ कि जितने भी नेचुरल फाइबर है, ठीक है ना, जितने भी प्राकृतिक रेशे होते हैं वो सभी के
सभी कीड़ों से, पतंगों से, है ना, फंगस से, सभी से प्रभावित होते हैं जितने भी प्राकृतिक फाइबर है। तो ये ध्यान रखना, जितने भी नेचुरल हमारे रेशे होते हैं उन पे आपके चाहे कीट हो गए, पतंगे हो गए, आपके कवक हो गए, आपके फंगस हो गए, कुछ भी हो गए, सबसे जल्दी इफेक्ट उन्हीं पे दिखाते हैं, सिंथेटिक फाइबर पे इंपैक्ट उनका नहीं पड़ता है, ठीक है ना। साथ ही साथ बात करेंगे, वूल इज इजिली बर्न, ये आपका जो, हाँ, वूल आपका क्या होता है, बर्निंग स्लोली, जो आपका वूल है वो बहुत ही धीरे धीरे जलता है, ये ध्यान रखना स्टूडेंट, ये बहुत ही धीरे धीरे जलता है। इसलिए चलो एक एग्जांपल बता देती हूँ कि जनरली आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब आप देखते हो ना कि कोई आग लग जाती है, सभी लोगों को पता होगी ये वाली बात कि जब आग लग जाती है तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, जो कंबल होता है ना वो डाल देते हैं। किस किस ने ये वाली बात सबको पता है, मुझे लगता है जो भी बच्चों ने एक बेसिक टॉपिक भी पढ़ा होगा वो वाला, जब हम बात करते छोटी क्लासेस में, हम फिजिकल एजुकेशन की कोई किताब पढ़ते थे। एक सेकंड स्टूडेंट्स, तो जब हम फिजिकल एजुकेशन की किताब पढ़ते थे तो उसमें होता था ना कि आग कैसे बुझाई जाती है, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, तो आप देखते होंगे कंबल डाल देते हैं ऊपर जिससे कि आग बुझ जाती है ना, कंबल डालने से इंसान जो है वो जलता नहीं है। तो क्या होता है कि जो आपका वूल है वो बहुत धीरे धीरे जलता है, इसलिए हम क्या करते हैं उसको यूज भी करते हैं आग बुझाने में, तो बर्न धीरे धीरे होता है, ये ध्यान रखिएगा, जो आपका वूल है वो धीरे धीरे जलता है। साथ ही साथ इसके अंदर जो है वो स्केल स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट, इसके अंदर स्केल स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि इसे प्रोटेक्ट करता है, फाइबर को बचा के रखता है। कैसे होते हैं स्केल्स, इस तरह के होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, जो आपका ये वाला जो चीजें आ रही हैं ये वूल के अंदर स्केल होती है जो इसे क्या करती है, मजबूती देती है। वूल के अंदर स्केल्स पाए जाते हैं, और ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जो ये वूल के अंदर मैंने शल्क बनाए हैं जिन्हें स्केल कहा जाता है, ये वूल को क्या देते हैं, ये वूल को शाइनिंग भी देते हैं, जो चमक होती है ना वूल के अंदर, जो लस्टर होता है, जो चमक होती है, वो इन्हीं शल्कों की वजह से होती है। जो वूल के अंदर स्केल्स होते हैं वो वूल को क्या देते हैं, चमक प्रदान करते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, गुड रेजिलेंसी वेन ड्राई, अगर वूल सूखी अवस्था में है, समझ रहे हैं आप लोग, अगर वूल सूखी अवस्था में है तो आप उसे दबा दो वो फिर भी अपनी शेप में वापस आ जाएगा, पर अगर वो गीली अवस्था में है तो वो फिर अपनी शेप में वापस नहीं आता है। ये ध्यान रखिएगा कि जो वूल है वो सूखी अवस्था में होता है तो उसकी रेजिलेंसी अच्छी मानी जाती है, यानी कि वो अपनी शेप में वापस आ जाता है, और अगर वो गीली अवस्था में होता है तो नहीं आता। इसलिए जनरली ये भी कहा जाता है स्टूडेंट कि जो वूल का कपड़ा है, जो ऊनी कपड़ा है, उसे लटका के ना सुखाया जाए। आप सभी लोगों को पता होगा, सब काफी सारे ऐसे एक्सपीरियंस लोग होंगे यहाँ पे, आप सभी जानते हैं कि वूल के कपड़े को हम लटका कर नहीं सुखाते हैं, हम सोचते हैं कि उसे फ्लैट सरफेस पे सुखाया जाए जिससे कि वो लटके ना, अदरवाइज उसकी शेप जो है वो बदल जाती है, ठीक है ना। लूज इन स्ट्रेंथ व्हेन वेट, अगर ये गीली अवस्था में है तो ये अपनी मजबूती खो देता है, ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर वूल गीली अवस्था में है तो ये अपनी मजबूती खो देगा। तो मुझे लग रहा है आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं एक बात और कर लेती हूं, इसकी स्ट्रेंथ के बारे में मैं आपको बता दूं, ठीक है। स्ट्रेंथ को हम एक चीज और भी जानते हैं, एक नाम से और भी जानते हैं, स्ट्रेंथ को स्टूडेंट टेनेसिटी भी कहा जाता है, टेंसिटी भी कहा जाता है आपकी, जो कि उसकी एक ऐसी क्वालिटी है जो उसके टूटने का गुण बताती है। तो लगभग वूल की कितनी होती है, 1.4 से 2.4 ग्राम डेनियर, ये ध्यान रखिएगा, जो वूल के अंदर स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 1.4 से 2.4 ग्राम डेनियर इसकी क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है। साथ ही साथ ये लगभग आपका 12 से 16% तक ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है अपने वजन से, इतना ज्यादा, ठीक है ना। और मैं आपको एक बात बता दूं स्टूडेंट कि वूल आपको जो जनरली क्या मिलेगा, किस कलर में मिलता है, तो वूल की बात करें तो आपको या तो व्हाइट कलर में मिलेगा, या ऑफ व्हाइट कलर में मिलेगा, या फिर ये आपको मिलता है ब्राउन या ब्लैक कलर में। ध्यान रखिएगा कि ज्यादातर जो ऊन प्राप्त की जाती है या तो होती है सफेद रंग की, या होती है क्रीम कलर की, या फिर होती है ये ब्राउन कलर की, या फिर होती है ये ब्लैक कलर की। तो मुझे लग रहा है कि मैंने काफी हद तक आप लोगों को आज ये टॉपिक क्लियर कराने की कोशिश की है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि मैम आज की क्लास अच्छी लगी, हमें अच्छे से क्लियर हुआ है। और कुछ ऐसे फाइबर भी होते हैं स्टूडेंट आपके, जैसे कि आपका अल्पाका हो गया, अबाका हो गया, पिना हो गया, है ना,
या फिर रैमी हो गया, तो ऐसे वाले बहुत सारे फाइबर है जो कि एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं केवल एक एक पॉइंट के फॉर्म में, तो उनके लिए भी एक अलग से क्लास तैयार करूंगी जिससे कि आपको वो छोटे छोटे फाइबर भी याद हो जाए कि किन का नाम क्या है और किस सोर्स से मिलते हैं। तो होपफुली आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि हमें क्लास अच्छी लगी। और चलो अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की बात कर लेते हैं। मैंने आप सभी को बताया था कि आज की क्लास के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी और आप सभी को अगर क्लियर है तो प्लीज मुझे वीडियो पे कमेंट करके बताना कि हाँ मैम हमें क्लियर है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आज आपका ये है कि चलो सारे बच्चे पहले थोड़ा एक्साइटमेंट तो दिखाओ कि क्वेश्चन क्या पूछने वाली है मैम, जल्दी से बताओ। चलो क्वेश्चन जो आज पूछने वाली हूँ वो ये क्वेश्चन है कि आपका जो वूल वीक है, क्वेश्चन आपका ये है जो वूल वीक है यानी कि ऊनी सप्ताह ये कब से कब तक मनाया जाता है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन ये है कि जो वूल वीक है आपका, जो ऊनी सप्ताह है वो कब से कब तक मनाया जाता है। तो चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है ना, जितने भी बच्चे हैं चीटिंग नहीं करनी है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है मुझे वीडियो पे जिससे कि मैं वहां पे सबका आइडेंटिफाई कर सकूं। यहां पे नहीं कर सकती हूं क्योंकि यहां पे कुछ लिख देंगे कुछ नहीं लिखेंगे, तो प्लीज मुझे लिख के बताना वहां पे कि क्या होता है कब से कब तक मनाया जाता है। तो चलिएगा मिलते हैं अब अपनी कल की क्लास में और होपफुली आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ और मिलेंगे अपनी कल की क्लास में। तो होपफुली स्टूडेंट आपको क्लास अच्छी लगी होगी।